नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो इस वीडियो हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़े एक बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश में जो है आज कैबिनेट बैठक का आयोजन होना है, तो इस बैठक में जो है क्या क्या अहम निर्णय हो सकते हैं। तो निर्णय की बात करें, चाहे वो स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर हो या फिर जो हिमाचल प्रदेश में कई बंदिशें जो है अब लगाई जा सकती हैं दोबारा फिर से, तो क्या ये बंदिशें रहेंगी, पूरी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे। वहीं हम बात करेंगे कि 12,000 जो पदों पर भर्ती होनी है, चाहे वो 4,000 शिक्षकों के पदों की भर्ती हो या फिर जो 8,000 पद MTS में भरे जाने हैं, तो ये भी हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को। तो हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, आज बढ़ सकती है कोरोना बंदिशें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार बंदिशों को बढ़ा सकती है, खासकर जनसभाओं पर रोक लगाई जा सकती है। शादी, धार्मिक, सामाजिक और अन्य समारोह में भी भीड़ को कम करने का निर्णय लिया जा सकता है। वहीं स्कूलों कॉलेजों में 1 सितंबर से विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगने के आसार भी कम हैं। कोरोना के मामले बढ़ने पर ऑनलाइन पढ़ाई की ही जारी रखने का सरकार फैसला ले सकती है। शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के आने पर लगाई गई रोक के फैसले की बैठक में समीक्षा होगी। वहीं शिक्षा विभाग ने स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों और कॉलेजों में सप्ताह में 3-3 दिन के लिए विद्यार्थियों को बुलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। अब मंत्रिमंडल तय करेगा कि विद्यार्थियों को बुलाना है या नहीं। उल्लेखनीय है कि 1 सितंबर से कॉलेजों में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। सेकेंड और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों की 16 अगस्त से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। स्कूलों में सरकार ने 30 अगस्त तक विद्यार्थियों को बुलाने पर लगाई हुई है। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूलों में आकर ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल 12,000 पदों पर भर्ती होनी है, तो चाहे वो 4,000 पद शिक्षकों के हो या 8,000 पद MTS के हो, तो इन पदों को लेकर जो है कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। क्योंकि जो पिछले ही दिनों शिक्षा विभाग ने जवाब दे दिया था वित्त विभाग को, जिसमें जो था ये भर्ती रुक गई थी, तो अब जो है शिक्षा विभाग ने जवाब दे दिया इन भर्तियों को लेकर। तो उम्मीद है कि ये जो पद हैं कैबिनेट बैठक में इन पर बड़ा निर्णय हो सकता है। तो यही थी अपडेट। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।